अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके DElEd UP BTC रिजल्ट 2019। कब तक दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा उसको समझेंगे, और उसके बाद दोस्तों जाने आज कब तक आ जाएगा आपका रिजल्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों और आप लोग को जानना चाहिए रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों। और हम लोग बात करेंगे, काफी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आपकी यूपी टेट और सी टेट की क्लासेस कब से शुरू होने वाली है, कुछ टिप्स दीजिए। तो दोस्तों पहले आप लोग समझिए आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये जानेंगे। आप लोग के सवाल का आज आंसर हम देने के लिए आए। तो पहला दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, रिजल्ट ना आने की एक वजह ये भी, आप लोग का चुनाव चल रहा है। अब दोस्तों आपका जो फेज फोर का चुनाव होगा वो 29 अप्रैल को होगा, फेज फाइव का 6 मई को, फेज सिक्स 12 मई और फेज सेवन का दोस्तों का 19 मई को। तो दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग हमारे चैनल पर ना, तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन और बीटीसी से रिलेटेड सारी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये आपके लिए जरूरी है और आपको जानना चाहिए कि बीटीसी में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों अब बात होगी बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2019 या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट 2019। देखिए दोस्तों आप लोग को रिजल्ट ना आने की वजह हमने आपको क्लियर कर दिए, और आप लोग दोस्तों समझ लीजिए आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिजल्ट अब तक दोस्तों आप लोग का जारी हो जाना चाहिए था। इसकी दोस्तों लेट होने की सबसे बड़ी वजह जो आपका जो स्टाफ होता है दोस्तों, जो भी आपके जो टीचर का स्टाफ है या गवर्नमेंट ऑफिसर का स्टाफ होता है दोस्तों, वो सभी लोग इस समय चुनाव में काफी ज्यादा बिजी हैं, ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया में। तो दोस्तों इसकी भी एक बड़ी वजह है, आपकी जो भी गवर्नमेंट है, शासन है, वो इस समय बिजी चल रही है चुनाव के कारण या चुनाव होने की वजह से। तो दोस्तों इसके कारण रिजल्ट रुक रहा है, और आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप लोग का जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो 19 मई को समाप्त हो रही है। तो एक अगर हम बड़ा आंकड़ा लगाएं दोस्तों कि दूर तक की सोचे, तो आप लोग का रिजल्ट 19 मई के बाद भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोग का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों वो अभी तक तो हुआ नहीं है। सबको पता है कि अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया है, लेकिन अब तक आपका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होगा, उसमें आप लोग टेंशन मत लीजिए। और काफी बच्चों के देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहे थे उसको समझते हैं, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बीटीसी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप लोग को आने वाले टाइम में नौकरी पानी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी करना है बीटीसी करके, तो सही है दोस्तों, नहीं तो आप लोग वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हैं। देखिए समझने वाली बात क्या है, अभी तक जो बीटीसी में होता था दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर 68,500 आपकी पिछली भर्ती आई थी शिक्षक वाली, इतनी पोस्ट थी दोस्तों, 68,500 सीटें थी नौकरी के लिए, जिसमें शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ तो वही थे दोस्तों ये सीट्स आई थी। तो हम आपको दोस्तों सच्चाई बताएं, जो इसमें पेपर हुआ था सिर्फ और सिर्फ 42,000 बच्चे पास हुए थे, मतलब 68,000 बच्चे भी दोस्तों पास नहीं हो पाए नौकरी के लिए। तो सोचिए कितना आसान था इसमें नौकरी पाना। तो दोस्तों लेकिन एक बड़ी खबर समझने वाली क्या है, इसमें बीएड के बच्चे शामिल नहीं थे। बीएड के बच्चे क्या थे, शामिल नहीं थे दोस्तों। तो इसलिए ये नौकरी पाना बीटीसी के बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल था, मतलब बीटीसी हुई नहीं नौकरी मिल गई। तो दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब एक की और आपको बताएं, जो इस समय करंट में वैकेंसी चल रही है, आप लोग को पता होगा बीटीसी कर रहे तो दोस्तों इतना तो पता ही होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है। तो इस शिक्षक भर्ती की खासियत क्या है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 4,00,000 से अधिक बच्चों ने सुपर टेट का पेपर दिया, मतलब शिक्षक भर्ती का दिया, 4,10,000, ठीक है, 4,10,000 बच्चों ने पेपर दिया था। तो दोस्तों अब लड़ाई चल रही है कि 40-45 या 60-65, मतलब दोस्तों ये क्या आप लोग समझिए, ये कट ऑफ है दोस्तों। इसमें मतलब एक मानक तय किया जा रहा है कि अगर 60-65 में होगा तो दोस्तों अधिकतर शिक्षा मित्र बाहर होंगे शिक्षक भर्ती से, तो बीटीसी और बीएड के बच्चों को नौकरी पाना आसान होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इसमें बीएड के बच्चे शामिल ना होते, ठीक है, अगर बीएड के बच्चे इसमें शामिल ना होते तो इसमें सभी जितने बच्चे बीटीसी के थे उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, सभी बच्चों को नौकरी मिल जाती, मतलब आपका जो 2015 बीटीसी का बैच है वो सबसे यंग बैच होगा दोस्तों, जो सबसे पहले नौकरी पाएगा बीटीसी 2015 दोस्तों, ये बैच सबसे पहले नौकरी पाने वाला होगा। क्योंकि जैसे ही इनकी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर खत्म हुआ था, वैसे दोस्तों आप लोग का यूपी टेट का फॉर्म आया, यूपी टेट इन्होंने क्लियर किया और सुपर टेट का भी फॉर्म आया, सब कुछ इनका क्लियर है, आप नौकरी पाने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है कि इसमें बीएड के बच्चे 2.5 लाख से अधिक दोस्तों, 2.5 लाख से अधिक बच्चे दोस्तों इस भर्ती में, जिसमें 4,10,000 में से 2.5 लाख बच्चे बीएड से हैं। तो दोस्तों आपको एक मोटा मोटा हिसाब दे तो लगभग 5 गुना ज्यादा बच्चे बीटीसी से बीएड के हैं, मतलब बीटीसी की दोस्तों संख्या अगर 50,000 है तो बीएड के बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 2.5 लाख है।
तो आप लोग दोस्तों यहाँ से अब आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि यार अब नौकरी पाना उतना आसान नहीं था, जो हम पहले नौकरी पाते थे अब वो नौकरी नहीं पा पाएंगे कि बीटीसी कर लिया और नौकरी मिल गई। अब दोस्तों आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बीटीसी तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि यार मैं तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा है, खेल है, खत्म हो जा रही दो दिन में। एक दिन में दोस्तों बीटीसी का सिलेबस खत्म हो सकता है, एक रात में पढ़कर आप लोग पूरी बीटीसी का सेमेस्टर खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने, यूपी टेट में देखिए पासिंग मार्क चाहिए होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपकी जो लड़ाई होगी वो शिक्षक भर्ती जो होगी दोस्तों, जो भी आप आने वाली वैकेंसी होगी दोस्तों, जिसमें भी आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। देखिए ये खबर जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के है ना, और जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के हैं या जिन्होंने पेपर दे के ठंड में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। आप लोग ये समझिए कि अभी आपके पास समय है, और जो बच्चे फोर्थ में आ गए होंगे उनके पास टाइम अब नहीं बचा। दोस्तों अगर आपके पास अभी टाइम है, समय है, तो क्यों ना आप समय का सही से यूज करें। देखिए आप लोग क्या, हमने बात की, काफी बच्चों को मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ लोकल कोचिंग शुरू हो गई है, मतलब आपके शहर में जहाँ भी रहते होंगे वहाँ यूपी टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती की जो भी कोचिंग से चल रही है, तो दोस्तों क्यों ना आप लोग उसको ज्वाइन करें। देखिए दोस्तों हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यूपी में 75 कितने जिले हैं दोस्तों आप लोग को पता है, 75 जिले आते हैं, तो हमें नहीं पता कि आपके जिले में कौन सी कोचिंग होगी और आप किस जिले में रहते हैं, लेकिन आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। ये चीज तो बिल्कुल श्योर के साथ हम कह रहे हैं, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको इसका नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीएड के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है ना, आप लोग को नुकसान ही उतना ज्यादा मिलेगा। अभी तक दोस्तों ये नौकरी सिर्फ बीटीसी की थी कि मतलब बीटीसी कर लिया आपने और बीटीसी के बच्चे रहेंगे दोस्तों आसानी से नौकरी मिल जाती थी। जो बच्चे थोड़े ठीक ठाक थे पढ़ने में वो तो बिल्कुल आसानी के साथ नौकरी ले जाते थे, लेकिन दोस्तों अब आपका परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने हाई स्कूल में मानते टेंथ में आपने 280% नंबर लाए तो इसका सिर्फ 10% गुणांक जोड़ा जाएगा, मतलब 8। इंटर में आपने 280% लाए तो इसका भी 10% 8 नंबर आया। बीएससी क्या होगा या बीए क्या होगा दोस्तों, कुछ भी आपने किया हो उसमें दोस्तों आपने 70% लाए तो उसका बनेगा सिर्फ 7 नंबर, और आपका बीटीसी का दोस्तों बनेगा अगर आपने 80% लाए तो 8 नंबर। जोड़ लेते हैं 8, 16, 16, 7 कितना होता है दोस्तों, 23 होता है, 23 और 8 31 होता है, ठीक है, 31 अंक का आपका गुणांक दोस्तों यहां से बनेगा अगर, और मेन गुणांक दोस्तों आपको सुपर टेट का जो पेपर होगा वहां से जो भी नंबर लाएंगे उसका 60% नंबर लिया जाएगा आपके शिक्षक भर्ती के चयन के लिए। तो दोस्तों अगर आपने मानते 150 नंबर का दोस्तों वो पेपर होता है, ठीक है, तो अगर आपने 150 में से कम 100 नंबर लाएंगे दोस्तों, तो 100 नंबर का मतलब 60% निकालते हैं कितना होता है देखिए, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 होता है दोस्तों 40, ठीक है, 40 ये और 30 और आपका गुणांक कितना था ये 31 अंक का गुणांक, तो मतलब दोस्तों 31 अंक ये जोड़ दें तो 71 नंबर हो रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि 71 नंबर में आप नौकरी पाना आसान होगा आने वाले टाइम में? देखिए इस वैकेंसी में जो बच्चे 69,000 में, उनके लिए तो 71 अंक का गुणांक मतलब नौकरी मिलना फिक्स है, लेकिन आपके टाइम में दोस्तों 71 अंक का गुणांक मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक बच्चों की संख्या और बढ़ने वाली है, तो दोस्तों इतना आसान नहीं होगा नौकरी पाना दोस्तों। तो मेन उद्देश्य हमारे इस वीडियो का बनाने का बस इतना है कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो सके और समझ सके कि आने वाले टाइम में आप लोग की बीटीसी खराब ना, दोस्तों हम ये चाहते हैं कि अगर आपने बीटीसी किया है तो बीटीसी के बलबूते आप लोग एक अच्छी नौकरी पा सके। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, आप लोग को पता होगा कि अगर आपने बीटीसी करके अगर आपने एक अच्छी परसेंटेज, चलिए परसेंटेज तो आप कुछ भी बनाएंगे दोस्तों उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी सुपर टेट की तैयारी होगी उससे जरूर दोस्तों आपको फर्क पड़ेगा। तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि अभी से आप लोग साइड में पर डे अगर आप लोग को टाइम मिले या जैसे भी सुपर टेट की दोस्तों सीधे डायरेक्ट तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अगर आपने अपने टाइम में 150 में कम से कम दोस्तों 130 से प्लस नंबर नहीं लाते तो आप लोग को नौकरी पाना लगभग नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बीएड के बच्चों की संख्या दोस्तों बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, तब तक आप जब तक क्लियर करेंगे 1 से 2 साल में तब तक इनकी संख्या दोस्तों कम से कम 5 लाख छात्र आपके साथ कंपटीशन में होंगे। आने वाले टाइम में बहुत तेजी से संख्या बढ़ने वाली दोस्तों, तो बीएड के बच्चे इतने होंगे और जो बच्चे यूपी टेट और सी टेट इस बार नहीं पास कर पाए थे वो सब आ जाएंगे, तो मतलब आपको एक बहुत ही गजब का कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे नंबर लाना है और नौकरी पाना है बीटीसी करके, तो दोस्तों आपको तैयारी तो अब करनी ही पड़ेगी और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। और आप लोग को दोस्तों अभी तक बता देते हैं आपके टाइम में जो कट ऑफ बनेगी, जो जनरल से बच्चे आएंगे कम से कम दोस्तों वो 80 से कम में सोचे ही ना कि उनको नौकरी मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए दोस्तों जो कट ऑफ बनेगी
वो कम से कम 275 प्लस बनेगी आपके टाइम में, और एससी कैटेगरी 75 प्लस दोस्तों ये भी रहेंगे, और आपकी जो एसटी कैटेगरी रहेगी दोस्तों ये 70 या 70 से अधिक नंबर पर इनको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों आने वाला समय बहुत ही कठिन है और बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, अगर आप लोग आज से तैयारी नहीं करते हैं तो आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। टाइम है दोस्तों आप लोग के पास, आराम से एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। आप लोग को बताएं जो बीटीसी 2015 के बच्चे थे ना, जो बीटीसी 2015 आपका बैच था, इन्होंने सिर्फ एक महीने में, लगभग एक से दो महीने के लिए दोस्तों टाइम मिला था खाली, एक से दो मंथ में इन्होंने सुपर टेट में इतनी जबरदस्त तैयारी की है आपके, कि इन बच्चों ने आसानी से 110 112 नंबर ऐसे लाए हैं दोस्तों। अगर इन्होंने एक महीने में किया तो आपके पास एक साल का समय है कम से कम, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप लोग सही से यूज करिए और उसका आगे आने वाले टाइम में आपका उसका यूज दिखेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पढ़ाई आज से आप लोग भी, तो हम लोग भी दोस्तों बहुत ही जल्द यूपीटेट और सीटेट में शुरू होने वाली वीडियो, तो सीटेट की वीडियो दोस्तों फिलहाल पड़ी है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए सीटेट के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, तो उस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप लोग जाइएगा और वहां पर सीटेट की मैथ की लेक्चर पढ़ें और सीटेट पेडागोजी क्या होता है उसको समझिएगा, क्योंकि आपको यूपीटेट या सीटेट एक जब पास होंगे तभी आप लोग सुपर टेट का पेपर देंगे या जिसको हम बोले शिक्षक भर्ती, ठीक है। फिर मिलेंगे और जैसे ही रिजल्ट की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है दोस्तों हम आपको देंगे, तो परेशान मत होइए रिजल्ट को लेकर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।